और दिल्ली की पहली बड़ी खबर है, कई जगह पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कई जगहों पर भारतीय राज संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अगले 6 दिन तक ये धारा लागू रहेगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा सभी बॉर्डर्स पर 163 के बीएनएस की धारा लागू की गई है और 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये धाराएं लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कड़े आदेश भी दिए हैं और इस दौरान धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी, किसी तरह का हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते ये धारा लागू की गई है। दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट भी मिले हैं और इसीलिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर भी रहने को कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर। नीरज, तो बीएनएस की धारा लागू की गई है और पुलिस की काफी सख्ती भी, क्या ब्रीफिंग्स दी गई हैं, क्या खास ख्याल रखने को कहा गया है? देखिए, फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की जो एक मीटिंग्स हुई है, उस मीटिंग्स में तमाम फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया है कि आने वाले जो 1 हफ्ता है उनको ऐसे इनपुट मिले हैं कि इस दौरान जो है देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लोग सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि बीएनएसएस है और उसकी धारा है 163, उसको लागू किया गया है ताकि 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो पाए, तो उस बात को ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि कहीं पर भी कोई भी अवैध तरीके से कोई हथियार लेकर के अगर पहुंचता है तो उसे रोका जाए, लाठी डंडा हो, किसी के पास में कोई तलवार हो, इस तरीके का जो वेपन है वो लेकर के अपने साथ में ना चले, अगर कहीं दिखता है तो उनको वहीं पर ही डिटेन किया जाए। वहीं इसी के साथ ही पुलिस को ऐसे भी इनपुट है कि जिस तरीके से अभी देश की राजधानी दिल्ली में जो ईदगाह का मामला चल रहा है, वहां पर भी जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी मूर्ति को लेकर के वहां पर लगाई जा रही है, जहां पर काफी ज्यादा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वहां पर लगाया गया है और अभी कुछ दिनों पहले भी वहां पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद में मतलब कुल मिलाकर एक साथ कई ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि इसको लेकर के बॉर्डर एरिया खास करके सील करने की कोशिश या इस तरीके से कहें कि वहां सख्ती बढ़ा दी गई है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।